हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक को फिर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों इस स्टॉक में हमें आजकल अच्छा खासा रैली का फिगर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन का तो 1% के आसपास का यहाँ पे हमें रैली का फिगर देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में BSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिला है। फिर भी इस स्टॉक में यहाँ पे 1% के आसपास का रैली का फिगर हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों आजकल आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गिरावट शो किया है। हालांकि आजकल इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। अगर बात करेंगे दोस्तों पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 1% के आसपास का ओनली हमें गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 20% के आसपास का मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 1 साल के इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 16% के आसपास का गिरावट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों पिछले 5 ईयर की बात करेंगे तो ओनली यहाँ पे 30% के आसपास का मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक दिनों की बात करेंगे इसका प्राइस ग्राफ का दोस्तों, तो सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे मुनाफा का फिगर शो किया है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। दोस्तों अगर इसका प्राइस यहाँ पे 330 रुपए क्रॉस करके अगर आगे जाती हुई हमें देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें 500 के भी क्रॉस करके आगे जाती हुई देखने को मिल सकता है। अदरवाइज इसका प्राइस हमें 300 के रेंज में ही फिलहाल हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करूँ आप लोग से जेंसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के रिगार्डिंग, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का मार्केट है कैपिटलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 6000 करोड़ के आसपास का फिगर है, जो कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। और दोस्तों बात करेंगे इसका 52 की हाई का, तो स्टॉक प्राइस 350 रुपए के आसपास का इसका 52 की हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों इसका लो की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली 200 के आसपास का इसका फिगर हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक पीरिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 17 के आसपास का फिगर है, जो कि इंडस्ट्री पीरिश्यू की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमें 30+ का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इसका प्राइस है फिलहाल हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसका फेस वैल्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे हमें 2 रुपए का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो 16% से एबव का फिगर है, जो कि अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड की बात करेंगे तो यहाँ पे 21% से एबव का फिगर है, जो कि ये भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों बात करेंगे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 49% से एबव का होल्डिंग है, जो कि स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों यहाँ पे कोई प्रमोटर का शेयर प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करेंगे इसका EPS की रिगार्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे ₹15 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। डेप्ट की बात करेंगे तो 313 करोड़ का डेप्ट का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि डेप्ट टू इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 0.11 का फिगर है, जो कि कोई खास है नहीं डेप्ट। और दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री कैश फ्लो का फिगर स्ट्रॉन्ग फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे यानी कि PEG रेशियो की रिगार्डिंग, तो यहाँ पे 1% से एबव का है। अकॉर्डिंग टू PEG रेशियो इसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे रफली 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस अगर 350 रुपए क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस हमें 500 के रेंज में देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसका सेल्स के रिगार्डिंग, यानी कि इसका क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एवरी क्वार्टर का सेल्स का फिगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर का सेल्स में अच्छा खासा हमें इजाफा देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिला। और दोस्तों बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी क्वार्टर का नेट प्रॉफिट का फिगर अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। ईयरली सेल्स की बात करेंगे तो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी स्ट्रॉन्ग है एवरी ईयर का। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एवरी ईयर का अच्छा खासा फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस की रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे
इस साल का रिजर्व बैंक सरप्लस का फिगर भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने मिल रहा है पिछले साल के अकॉर्डिंग। हालांकि एवरी ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक फिगर शो किया है। ब्रोइंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें डेप्ट का फिगर देखने को मिल रहा है, और दोस्तों फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक फंडामेंटली अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2% के रेंज में डिविडेंड यील्ड भी हमें देखने को मिल रहा है, और दोस्तों यहाँ पे भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग यानी कि 50% का अराउंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि FI की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 11% के रेंज का होल्डिंग है, और दोस्तों DI का होल्डिंग स्ट्रॉन्ग फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों यहाँ पे FI ने अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है, जो कि दोस्तों अगर बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का तो 28% के आसपास का होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। हालांकि फ्यूचर में इसका प्राइस अगर 350 रुपए क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 500 के रेंज में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के प्राइस के फोरकास्ट के रिगार्डिंग। फिलहाल जो इसका प्राइस है 265 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 230 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 300 के क्रॉस करके 400 के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, बाय।